हम पहले दौर में क्या करने वाले हैं? यह बहुत आसान है, मुझे भूख लगी है इसलिए मुझे एक मीठा सैंडविच चाहिए। यह आसान है, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। एक बच्चा भी इसे संभाल सकता है। वैसे बच्चों के बारे में कहें तो हम में से प्रत्येक को बचपन से मिठाई पसंद है, तो सूजी का मीठा सैंडविच बनाने का आइडिया अच्छा है, जैसे कि न्यूटेला के साथ सैंडविच। और मैं एक टोस्टर लूंगी। ओह, इसे ठीक से करना होगा, मैं इस पेस्ट की वजह से पूरी गंदी हो गई हूँ। चलो टोस्टर, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। दादी, तुम क्या कर रही हो? अपने पुराने तरीके से खाना बना रही हो? यहाँ टोस्टर है, मुझे नहीं चाहिए। कोई भी ब्रेड को ऐसे टोस्ट नहीं करेगा जैसा मैं कर रही हूँ। अब इस पर पीनट बटर लगाने का समय है। और दादी का बनाया हुआ जैम भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैं इसे ठीक से लगा देती हूँ। कितना प्यारा! और यहाँ पर जलने की कैसी बदबू आ रही है। आह सूजी, वो तुम्हारा रोबोट है। यह रोबोट नहीं है, ये टोस्टर है। पता नहीं इसमें क्या गड़बड़ी है, लेकिन मुझे पता है इसे सॉकेट से बाहर करना होगा। अरे नहीं, लगता है मेरा टोस्ट बनाने का आइडिया फेल हो गया। तुम क्या कर रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि वास्तव में अच्छा टोस्ट कैसे बनाया जाता है? इसके लिए तुम्हें थोड़ा कसा हुआ चीज और चमकीले रंग चाहिए। मैंने सब अच्छे से ग्रेट कर दिया और इसमें रंग मिलाता हूँ। ताड़ाम, देखो यह कितना सुंदर है। लेकिन इतना ही नहीं है, इसे टोस्ट करना होगा। इसे फ्राइंग पैन में करना उबाऊ है और उतना अच्छा नहीं है। एक और जरूरी बात, इसे आग पर सेकना है। अब मैं जाता हूँ और इसे टोस्ट करके तुरंत वापस आता हूँ। आग पर सिका हुआ ब्रेड बहुत स्वादिष्ट होता है। हो गया। जेस, ये एक विजेता चुनने का समय है। ओह हाँ, शुरुआत करते हैं पहले सैंडविच से। यह बाकी की तुलना में अच्छा दिख रहा है, शायद स्वाद भी अच्छा हो। अरे वाह, कितना बढ़िया से स्ट्रेच कर रहा है ये, बहुत स्वादिष्ट। चलो देखें कि आगे क्या है। और यह क्या है? कितना बेकार। खैर, मैं रिस्क लेती हूँ और इसे चक्कर देखती हूँ। कितना खराब, इसका स्वाद कोयले की तरह है। यह सैंडविच बहुत अधिक स्वादिष्ट लग रहा है और इसे बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। ओह हाँ, ये बहुत स्वादिष्ट है। दादी, तुम जीत गई। धन्यवाद जेस, मुझे पता था कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। अब मुझे पैनकेक्स चाहिए, स्वादिष्ट पैनकेक्स। ओह पैनकेक्स, मैं इसे बनाने में माहिर हूँ। मुझे हराने की उम्मीद भी मत करो। कोई भी मुझसे बेहतर पैनकेक्स नहीं बना सकता है। अब इसका बैटर बनाने का समय है। दादी, क्या तुम्हें लगता है कि मैं बैटर नहीं बना सकती? एकदम आसानी से बना लूंगी। हमें बस एक गहरी प्लेट में सब कुछ डालने की जरूरत है। और जैसा कि मैंने कहा, यह देखो, यह अच्छा दिख रहा है, बढ़िया। हाँ, इतना परेशान होने की जरूरत क्या है? मेरे पास एक मिक्सर है, इसकी मदद से मैं डो को अच्छी तरह से मिक्स कर सकती हूँ। देखो, बिना परेशानी के सब हो रहा है। ओ, मुझे नहीं पता था कि यह इतनी तेज है। और अब मैं उसे आटे से कैसे निकालूं? ओह, चलो बेकार डिवाइस। सूजी, तुमने बहुत जल्दी हार मान ली, लेकिन मुझे सिर्फ पैनकेक सेकना है। हाँ, देखो यह कितने अच्छे से तैयार हुआ है और अच्छी खुशबू भी आ रही है। मेरे शानदार पैनकेक्स तैयार है। अब इस पर केवल बटर डालना बाकी है। ओह माफ करना, मैंने गलती से तुम्हें गंदा कर दिया। देखो और सीखो कि असली पैनकेक्स कैसा होना चाहिए।
हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि स्वाद के साथ साथ इसे सुंदर भी दिखना चाहिए। अब मैं बैटर से ड्राइंग बनाऊंगा। कोई बता सकता है कि यह क्या है? ताड़ाम! कुछ ही सेकंड में मुझे किशमिशी की कॉपी मिल गई। अब इसे खा सकते हैं। और मेरे पास कुछ तैयार का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, जैसे कि ब्रेड। लेकिन मुझे क्रस्ट भी बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं इसे हटा देती हूँ और अब इस पर क्रीम लगा देती हूँ। यह सभी को पसंद होता है। अब सब तैयार है। जेस, यह वोट करने का समय है। वाह, यह किशमिशी के रूप में एक पैनकेक है। कितना अच्छा दिख रहा है। मैं इसे खा कर देखती हूँ। मुझे तो यह बहुत प्यारा लग रहा है। और यह क्या है? यह साधारण व्हाइट ब्रेड की तरह दिख रहा है। खैर, या नहीं, यह निश्चित रूप से पैनकेक्स नहीं है। लेकिन यह बीच वाले पैनकेक स्वादिष्ट लग रहे हैं। क्या खुशबू है! मुझे लगता है कि यह बहुत स्वादिष्ट होगा। अरे वाह, मैंने लंबे समय से कुछ भी स्वादिष्ट नहीं चखा है। दादी, तुम जीत गई। क्या दादी? क्यों? लूजर। इस बार मैं लंच में स्वादिष्ट नूडल्स खाना चाहती हूँ। नूडल्स हम तुम्हारे लिए तैयार करेंगे। दादी और शेफ फिर से एक मुश्किल रास्ते पर जा रहे हैं। मुझे लगता है कि सब कुछ बहुत आसान है। जब तैयार नूडल्स दुकानों में मिल जाते हैं तो इतनी मेहनत की क्या जरूरत है। इसके साथ तैयार सॉस भी मिलते हैं और मसाले भी। इन सबको एक साथ उबलते पानी में डालना है और इंतजार करना है। कितनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। यह ऐसे बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं होगा, लेकिन सॉसेस के साथ स्पैगेटी की बात ही अलग है। स्वादिष्ट और ओरिजिनल। यह इस तरह से प्लेट में बहुत अच्छा दिखेगा और स्वाद भी अच्छा होगा। ओरिजिनल? बोरिंग। रंगीन नूडल्स बनाना वास्तव में ओरिजिनल होगा। इसके लिए मुझे खुद नूडल्स बनाने होंगे। लेकिन मैं जीतने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मेरे पास एक विशेष मशीन भी है। देखो यह कितना अच्छा निकला। अब बस इन्हें पकाना बचा है। और बेशक हमें सॉस को नहीं भूलना चाहिए। जेस, अब तुम टेस्ट कर सकती हो। हाँ, देखो मेरा कितना बढ़िया तैयार हुआ है। ओह, लेकिन परेशान मत हो, टेबल अभी भी साफ है। चलो खा कर देखती हूँ। मैं इसके साथ शुरू करूंगी। मैं ऐसे नूडल्स को कर्ली करती हूँ। एक साधारण नूडल्स की तरह है। मुझे और क्यों उम्मीद थी। लेकिन रंगीन नूडल्स थोड़ा अच्छा लग रहा है। चलो खा कर देखती हूँ। वाह, इसकी तो बात ही अलग है। बस अब तीसरा भाग ही बचा है। ओह वाह, कितना ओरिजिनल आइडिया है। कितना अच्छा। मुझे सॉसेज बहुत पसंद है। नूडल्स की यह प्लेट सबसे स्वादिष्ट है। क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? मैं सबसे बहुत थक गया हूँ। बस यह रहा, मुझे यह जेली चाहिए। जेली? मैं यह कर सकती हूँ। बस जिलेटिन लेना है, अधिक चीनी और निश्चित रूप से पानी भी। चलो इन सबको मिलाते हैं। यहाँ बहुत सारे अलग अलग स्वाद और रंग की जेली होनी चाहिए। हाँ, एकदम रंगीन। यह फॉर्म एकदम सही है। तो हम पहली परत भरेंगे
और मैं अपनी जेली में घर का बना स्ट्रॉबेरी जैम मिलाऊंगी। इसे अच्छे से मिलाना है। हाँ, इस तरह से। और अब मुझे अपने पर्स से कुछ चाहिए। नकली दांत? नहीं। ऊल और काटा? नहीं, यह भी नहीं। और यहाँ मेरा सांचा है। yes. यही मैं अपनी जेली डालूंगी। अरे नहीं, मुझे छींक आ रही है। अच्छी, मेरा चश्मा। मैं कुछ भी नहीं देख पा रही हूँ। मैं जेली को रेफ्रिजरेटर में रखने जा रही हूँ और फिर तब उसकी तलाश करूंगी। ओह, मैं कहाँ हूँ? यहाँ गर्मी है और अब यहाँ बहुत ठंड है। और अब यह बहुत नम है। जिलेटिन? नहीं, गमी बेहतर है। हेलो मिस्टर बेयर। हाँ, मैंने मेरे दोस्त को खा लिया। मुझे माफ करना मिस्टर बेयर। अब मैं तुम्हें एक प्लेट पर रखूंगा और मैं एक खाऊंगा। हालांकि मुझे नहीं खाना चाहिए। थोड़ा यहाँ, यहाँ और यहाँ फिर से। हाँ, और अधिक। किसी चीज की कमी है। हाँ बिल्कुल, स्ट्रॉबेरी पूरी तरह से मेरे गमी क्यूब के लिए सही होगा। खींचो। ओह, यह बहुत अच्छा निकला। और आप अन्य परते। बहुत सुंदर। अब बस इसे सजाना ही बचा है। स्ट्रॉबेरी एकदम सही है। और अब यह स्वादिष्ट क्रीम। मैं प्रत्येक परत को सजाऊंगी और ऊपर से कुछ और स्ट्रॉबेरी इस तरह से। एकदम सही। ओ, मुझे लगता है कि दादी वापस आ गई है। दादी रुको, यहाँ तुम्हारा चश्मा है। क्या अब सब ठीक है? धन्यवाद बेन, तुम कितने अच्छे लड़के हो। और ये किस तरह के पौधे हैं? अब केवल जेली को यहाँ रखना है। वाह, चलो देखते हैं। फेस, तुम्हारा क्या कहना है? वाह, बहुत सारी जेली है। कहाँ से शुरू करूँ? मैं इस क्यूब से शुरू करूंगी। ये गमी बेयर है, मुझे ये बहुत पसंद है। मैं एक ही बार में पूरा क्यूब ले लूंगी। अरे, वे बिखर गए हैं और क्यूब खाली है। इससे काम नहीं चलेगा। चलो दादी की जेली को चखते हैं। ये बहुत ही सख्त है, बहुत ही ज्यादा सख्त। यहाँ तक कि कांटा भी इसके अंदर नहीं जा रहा है। उफ, ठीक है, मुझे अपने हाथों से काम करना होगा। लेकिन यह अंदर क्या है? दादी, यह आपका चश्मा है। हाँ, अच्छा, तो जेली केक, अब तुम्हारी बारी है। वह कितना मजेदार तरीके से हिल रहा है। चलो इसे ट्राई करते हैं। जेली, स्ट्रॉबेरी और क्रीम एक साथ इतनी अच्छी तरह से चलते हैं। यह बेहद स्वादिष्ट है। टीना, तुम जीत गई हो, मुझे और चाहिए। हाँ, इसके खराब होने का तो सवाल ही नहीं उठता। हाँ, अब मुझे आइसक्रीम चाहिए। क्या आप इसे मेरे लिए तैयार कर सकते हैं? एकदम आसान। या बोतल वाला दूध? नहीं, मुझे सबसे ताजी सामग्री चाहिए। हेलो गाय, ताजा दूध के लिए धन्यवाद। अब मैं इस दूध को अपने पेशेवर मिक्सर में चीनी के साथ मिलाऊंगी। अब मैं इसे सांचों में डालूंगी और स्टिक डालूंगी। चलो इस मोल्ड को इस कटोरे में डालते हैं और मेरे सूटकेस से कुछ निकालते हैं। लिक्विड नाइट्रोजन तुरंत आइसक्रीम को फ्रीज कर देगा। टीना, तुम फिर से चीजों को मुश्किल बना रही हो। देखो और सीखो। हम आइसक्रीम को एक तरफ रख देंगे और इस बीच हम दूध, आटा, चीनी और अंडे से वोफल बनाएंगे। अच्छे से सबको मिला देना है और अब वोफल मेकर में बैटर डालेंगे और थोड़ा इंतजार करें। और जब वोफल थोड़ा गर्म ही हो, हम इस शेप का उपयोग करके इसे कोन बनाएंगे।
एकदम सही कोन। एकदम सही। और अब मैं आइसक्रीम को रेफ्रिजरेटर में रख दूंगी। इसे अच्छे से जमने देती हूँ। बस थोड़ा इंतजार करना है। दूध? यह बहुत मुश्किल है। हाँ बिल्कुल, एक आइडिया है। मैं ये स्प्राइट ले लेता हूँ और उसमें ये स्टिक लगा देता हूँ। और अब मैं इसे फ्रीज कर दूंगा। दादी क्या आप सो गई हैं? क्या क्या? ओह मैं सो गई थी। मुझे जगाने के लिए धन्यवाद बेन। मेरी आइसक्रीम जम गई है। और अब मैं अपना फ्रीज कर दूंगा। एकदम सही पॉप्सिकल। हाँ सही करना मेरे बाएं हाथ का खेल है। और यह इस तरह से एकदम सही है। ठीक है दादी, अब बस आइसिंग के साथ पॉप्सिकल को कवर करना ही बचा हुआ है। और उन्हें सुंदर जानवरों का रूप देने के लिए थोड़ा सजाना है। पेज इसे जरूर पसंद करेगी। हाँ मुझे पता है कि पेज को क्या पसंद आएगा। अब मैं अपनी आइसक्रीम से कुछ बॉल बनाने जा रही हूँ। बस मुझे यही चाहिए। और आइसक्रीम सच में स्वादिष्ट निकला। क्या तुम इसे ट्राई करना चाहते हो बेन? माफ करना दादी, मैं व्यस्त हूँ। यह ऐसे नहीं निकलेगा। उफ, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। हाँ हाँ मैं एक चेनसॉ से बोतल काट दूंगा। सारे एक्स्ट्रास को निकाल दूंगा और मेरी आइसक्रीम तैयार है। बहुत बढ़िया, इसे खाओ प्लीज। वाह यह बहुत अच्छा है। और यह क्या है? भारी। यह बुरा नहीं लग रहा। ओह यह गिर गया, टूट गया। उप्स। उफ, इतना सारा। कौन सा पॉप्सिकल चुनना चाहिए? वाह चलो इस पिक को लेती हूँ, गुलाबी है। यह बहुत स्वादिष्ट है और इतना प्यारा भी है। और दादी ने कैसा किया है? वाह मेरी ड्राइंग की तरह। यह तो जैसा मैंने सोचा था वो उससे भी अच्छे स्वाद का है। दादी आप जीत रही हैं। अरे हाँ एक बाइट लो टीना, चिंता मत करो। और अब मुझे मार्शमेलो चाहिए। है ना यह प्यारा? फिर से कुछ समझ से बाहर है, लेकिन मेरी रेसिपी बुक में निश्चित रूप से कुछ होगा। पाई, तले हुए अंडे। मुझे लगता है कि मुझे चॉकलेट चाहिए और निश्चित रूप से मार्शमेलो। मैं चॉकलेट की पहली परत और ऊपर से मार्शमेलो की एक परत लगाऊंगी। एक पूरे पैक की जरूरत थी। अब मुझे एक ओवन चाहिए। अरे नहीं। बेन धन्यवाद, तुमने मुझे और मेरी डिश को बचाया। मैं आगे से अधिक सावधान रहूंगी। मैं मोल्ड को ओवन में रख देती हूँ। और अब थोड़ा इंतजार करना है। पर मैं इस खाली समय में क्या करूँ? हाँ ठीक है, मैं टीवी पर अपना फेवरेट टीवी सीरियल देख लेती हूँ। ओह कितना मजेदार। मुझे मार्शमेलो के साथ क्या करना चाहिए? हाँ मेरे पास एक आइडिया है। अब मैं उसे एक खरगोश बनाने जा रहा हूँ। और मैं आंखें और एक मुंह ड्रॉ करूंगा। यह एकदम सही है। मैं खुद सब कुछ पकाऊंगी। जेलेटिन को चीनी और पानी के साथ मिलाऊंगी और उन्हें अच्छी तरह से बीट कर दूंगी। मैं इसे एक सिरिंज में डालूंगी और इसे स्ट्रॉस के अंदर डालूंगी। मुझे कौन सा रंग चुनना चाहिए? लाल सही है। मैं इसे इस लिक्विड में डालूंगी और इसे फिर से मिलाऊंगी। रंग बिल्कुल वैसा है जैसा मुझे चाहिए। और अब मैं फिर से सिरिंज का उपयोग करूंगी। यहाँ अपने हाथों से तैयार मार्शमेलो ब्रेड्स हैं। अब बस उन्हें चिपकाकर एक बड़ी रस्सी बनाना है। देखो ये कितना सुंदर लग रहा है।
अच्छा बिल्कुल सही। ओ यह क्या है? यह मार्शमेलो इतना लंबा क्यों है? टीना मार्शमेलो को घोंघे में बदल गई है। मुझे लगता है कि मैं ट्राई कर सकता हूँ। मुझे कुछ नहीं मिला। एकदम सही स्पाइरल। वैसे दादी कहाँ है? ओह, कितना दुख भरा एपिसोड है। अब मैं और नहीं देख सकती। लेकिन मेरे मार्शमेलो तैयार है। यह जरूर पेस को पसंद आएगा। क्या खुशबू है। वाह, कितना प्यारा खरगोश। कितना दिलचस्प पाई है। और वाह, बहुत बढ़िया स्पाइरल। मैं उसके साथ शुरू करूंगी। ये बहुत बड़ी है। ये स्वादिष्ट है। बहुत स्वादिष्ट। और अब दादी की पाई। वाह, वे बहुत स्ट्रिंगी है और चॉकलेट के साथ एकदम मस्त है। दादी, ये बहुत स्वादिष्ट है। ओह, कितना प्यारा, कितना मीठा। बहुत बढ़िया। ओह, कितना छोटा खरगोश, कितना छोटा और इतना प्यारा और बहुत ही स्वादिष्ट। हाँ, सच में कमाल का। बहन, इस बार जीत तुम्हारी हुई है। अरे हाँ, मैं जीत गया। वाह, मैं मीठा खाने से अपने को रोक नहीं सकता। वो क्या ड्रॉ कर रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मुझे बर्गर चाहिए। बर्गर? लेकिन ये उतना हेल्दी नहीं होता है। बर्गर ठीक है, मुझे चुनौती स्वीकार है। बर्गर बढ़िया, मैं तैयार हूँ। यह कटलेट ले लिया। बस यह, अब सब जल्दी तैयार हो जाएगा। और टमाटर के बिना कैसा बर्गर। चलो पहले इसे काटता हूँ। ओह, यह उतने अच्छे से कट नहीं रहा है। खैर कोई बात नहीं, चलो एक बन पर टमाटर डालते हैं। और अब थोड़ा चीज। मैं चाकू के बिना करूंगा। बस देखो मैं कितना स्मार्ट हूँ। बढ़िया। मेरा कटलेट जल रहा है। कितनी जलन हो रही है। ग्लव्स पहनना सही रहेगा। चलो अब कटलेट को बन पर रखे। थोड़ा जल गया है पर ठीक है। और अब हमें बन के दूसरे हिस्से को रखना होगा। हाँ बिल्कुल सही। मेरा हाथ। बन, कटलेट? नहीं ऐसे नहीं, मैं इसके बिना करूंगी। यह सेब जिसकी जरूरत मेरी पोती को है। और एक और हेल्दी फल केला। हाँ, और कीवी के बिना कैसे तैयार होगा ये डिश। और स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी। और हम सब कुछ अच्छी तरह से रखेंगे और हमें एक सुपर पौष्टिक फ्रूट बर्गर मिलेगा। ये बहुत अच्छा लग रहा है। अब शेफ खाना पकाना शुरू करती है। मैं अब तक का सबसे अच्छा बर्गर बनाऊंगी। सभी सामग्री जगह पर है। इससे अच्छी खुशबू आ रही है। पहले प्याज, फिर चीज और कटलेट और सैलेड। अब थोड़े और चीज और गाजर। हमें सॉसेस के बारे में भी नहीं भूलना है। हाँ देखो, सुपर बर्गर तैयार है। ओ वाह, मेरा बेहतर है। आखिरकार अब मैं सबसे अच्छा बर्गर चुनने जा रही हूँ। यह तो भयानक लग रहा है। ओह डरावना, मैं ये बिल्कुल नहीं खाऊंगी। मैं बस इसे बाहर फेंक दूंगी। चलो भी इस बर्गर को देखें। हाँ यह अच्छा दिख रहा है। चलो इसे खा कर देखते हैं। बुरा नहीं है। मुझे फ्रूट्स पसंद है लेकिन बर्गर में नहीं। वाह, यह कितना अच्छा बर्गर है। और यह बहुत बड़ा भी है। और इसका स्वाद और भी बढ़िया है। यह वाला, मैं इसे चुनती हूँ। मुझे पता था कि मैं ही जीतूंगी। ऐसा कैसे? ओह मेरे हाथ।
अब मुझे चाहिए लेमोनेड। लेमोनेड? यह एकदम आसान है। चलो शुरू हो जा। एक सुंदर ग्लास के बिना इसे कैसे कर सकते हैं? मैं इसे सजाऊंगी। पहले चीनी लेती हूँ एक ग्लास और इसे शहद में डुबोती हूँ, इस तरह से। बिल्कुल सही, ठीक है। अब यह अच्छा दिख रहा है। अब चलो थोड़ा काम करते हैं आइस के साथ। मुझे यह पसंद है, यह कितना रिलैक्सिंग है। फर्स्ट क्लास आइस तैयार है। सावधानी से एक ग्लास में डालें। वाह, क्या कर रही है? ओह, यह शेफ भी ना, उसे पता भी नहीं है कि लेमोनेड क्या होता है। मैं इसके जूस को पानी में निचोड़ूंगी अच्छे से। हाँ, यह बहुत अच्छा लग रहा है। चलो चख कर देखती हूँ। ओह, कितना खट्टा है यह। मुझे इसमें तुरंत चीनी डालने की जरूरत है और थोड़ा चीनी खाना भी होगा। हाँ, यह बेहतर है। क्या इतना काफी है? नहीं, शायद थोड़ा और डालना होगा। ओह, मुझे क्या करना चाहिए? मेरे पास एक आइडिया है। हम चॉकलेट को ब्लेंडर में डाल देते हैं और चलो इसमें M&M's भी डाल देते हैं और स्वादिष्ट चॉकलेट बॉल्स और फिर स्वादिष्ट आइसक्रीम और थोड़ा दूध और अब सब कुछ मिला देना है और अब इसे एक ग्लास में निकाल लेना है और फाइनल टच ये स्ट्रॉ है। जरा इसे चखो दादी। प्यारे बच्चे, इसे तुम ही चखो। यहाँ, यह असली नींबू पानी है। क्या यह असली लेमनेड है? ठीक है, फाइनल टच बेरीज। और हमें स्ट्रॉबेरीज के बारे में नहीं भूलना चाहिए। और इसे इसमें डालें और इन सबको अच्छे से मिलाएं। इसमें ब्लूबेरीज भी मिलाना है, इस तरह। और मैं इन सबको एक ग्लास में निकाल दूंगी। हाँ, वाह। अब इसमें स्ट्रॉ डाल देती हूँ और ये तैयार हो जाते हैं। देखो कितना सुंदर दिख रहा है। अब इसे चुनो केट। सब कुछ कितना दिलचस्प और रंगीन है। मुझे लगता है मैं इसके साथ शुरू करूंगी। ये कितना सुंदर है और बहुत स्वादिष्ट भी। हाँ, और यहाँ क्या है? चलो इसे चख कर देखती हूँ। ये थोड़ा के बस नींबू और पानी दिख रहा है। नहीं, मैं इसे नहीं पी सकती। नहीं। और यह क्या है? क्या यह लेमनेड है? ठीक है, मैं इसे चखती हूँ। वाह, यह कितना स्वादिष्ट है। मैं इस कॉकटेल को चुनती हूँ। हाँ, मैं जीत गया। हुर्रे! अच्छा किया बेबी। धन्यवाद दादी। वहाँ क्या है? मुझे चिप्स चाहिए। चिप्स? क्या सच में? मुझे पता है क्या करना है। चलो आलू लेते हैं और इसे बढ़िया से छील लेते हैं। बढ़िया, देखो मुझे ऐसा ही चाहिए। मैं बेहतर कर सकती हूँ। देखो और सीखो, इसे ऐसे होना चाहिए। देखो मेरे पास कितने आलू हैं। ओह, खैर अब मैं सब काम तेजी से करूंगी। अब मैं क्या करूंगा? ठीक है, मैं कुछ कोशिश करता हूँ। पहले आलू को छील लेता हूँ। बढ़िया, ये तैयार है, अच्छा दिख रहा है। अरे तुम मूर्ख हो, देखो मेरे पास कितने आलू हैं। देखो मैं कैसे कर रही हूँ। बढ़िया, अब मैं जल्दी से कुछ अच्छा तैयार करूंगी। मैं इसे ओवन में डालूंगी। ओह, वो कितनी खुश दिख रही है। पर इससे कुछ नहीं होगा, जीत अभी भी मेरी होगी। चलो काम शुरू करते हैं। ब्लेंडर में आलू डालते हैं, फिर इसमें थोड़ा दूध और इसे अच्छे से मिलाते हैं। यह सांचे कमाल के हैं। और अब मैं एवोकाडो डिप तैयार करूंगी। हाँ, जब तक आलू तैयार हो रहे हैं मैं एवोकाडो डिप तैयार करती हूँ। बस इसे साफ करना है
बीज बाहर निकालना है और इसके पल्प को यूज करना है। अब इन सबको मैं मिक्सर में डाल देती हूँ, थोड़ा नमक मिलाती हूँ और थोड़ी सी मिर्च, और अब इसे बाहर निकालते हैं। वाह, क्या सुगंध है। और अब इसे बाहर निकाल देते हैं और हमारा ग्वाकामोली सॉस तैयार है। वाह, क्या सुगंध है। मेरा परफेक्ट चिप्स एकदम तैयार है। अब केवल इन प्याज को डालने की जरूरत है और मैं जीत जाऊंगी। ये बहुत मजेदार है। ओह, मैंने सोचा कि मेरे आलू के साथ क्या करना है। अब बस थोड़ा इंतजार करना। मैं इसे टोस्टर में डाल दिया हूँ और इंतजार करता हूँ। वाह दादी, देखो मैं कितना जीनियस हूँ। ये चल रहा है। अब मैं क्या करूँ। ओ नहीं, वो पूरी तरह से कोयला हो गया है। फिर भी मुझे कुछ करना होगा। ये आलू के शेप कैसे लग रहे हैं। मेरे आलू के चिप्स तैयार है और बीच में यह सॉस। ओह, उसने फिर कुछ मुश्किल काम किया है। केट, इसे चखो। चलो देखते हैं यहाँ क्या है। अच्छा लग रहा है। और यहाँ यह भी प्यारा है। यह काली भयानक चीज क्या है। काले डरावने फायर ब्रांड। यह कितना घिनौना है। मैं इसे नहीं खाना चाहती। चलो इस आलू को चखती हूँ। स्वादिष्ट, बहुत अच्छा, मुझे ये पसंद आया। और यहाँ क्या है। थोड़ा अलग सा लग रहा है ये। वाह, कितना स्वादिष्ट, बहुत दिलचस्प। वाह, मैं इसे चुनती हूँ। हाँ, जैसा मैंने कहा था, मैं जीत गई।